पेमेंट ऐप पेटीएम पर गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन कैसीनो चलाया जा रहा था। प्ले स्टोर से गूगल ने हटाया, अब डाउनलोड और अपडेट नहीं होगा। जन्मदिन पर विराट अनुष्का ने दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अब बेहतरीन पेरेंट साबित होंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में C2 फॉर्मूला से हरियाणा ने किनारा कर लिया है। इस फॉर्मूला को प्रदेश सरकार न तो तर्कसंगत मानती है और न ही सूबे में इसके लागू किया जाएगा। इसके अलावा आयोग की 201 सिफारिश को हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है। हरियाणा कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलने पहुंचा था। राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो पाई। केंद्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि सरकार को बिल बनाने से पहले किसानों और आढ़तियों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए था। जालंधर में सोशल मीडिया के जरिए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फेसबुक और सक्रिय ठग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड कैशियर की फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसके जरिए 10,000 रुपए मांगने शुरू कर दिए थे। मनाली से बिलासपुर तक होगा रेल लाइन का एरियल सर्वे, उत्तर रेलवे की टीम पहुंची मंडी। उर्मिला मातोंडकर को एडवोकेट विश्व चक्षु ने भेजा लीगल नोटिस, देवभूमि के अपमान का जड़ा आरोप। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।